हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक 911। और आज अपन लोग एक सिंपल सी एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्चुअली बटन की हेल्प से हम किसी भी इमेज में थोड़ी सी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसका साइज इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे और रिसेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। तो सबसे पहले अपना एचटीएमएल का पेज क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट। तो ये हमारा क्रिएट हो गया डॉक टाइप HTML हेड एंड नाउ बॉडी। तो बेसिक हमारा HTML का पेज क्रिएट हो गया, तो टाइटल भी रख देते हैं। चलिए ओके, सो टाइटल भी हो गया। तो चलिए अब जब बेसिक अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमने एक डिव टाइप क्रिएट किया, जो मतलब कि पूरा बॉडी है, बेसिकली ये कंटेनर है जिसमें हमारा सारा का सारा कोड रहने वाला है। तो क्लास दे देते हैं इसको कंटेनर, एंड नाउ एक अलग से डिव टाइप क्रिएट कर लेते हैं। सो इस ड्यू टैग में क्या होगा, हमारे बटन्स रहेंगे, ओके। नाउ यहाँ एक H1 टैग ले लेते हैं। ओके डन। तो नाउ सिंपल से तीन हमें बटन क्रिएट करने हैं, जिसमें एक में साइज इंक्रीज करेंगे, दूसरे से साइज डिक्रीज करेंगे और तीसरे से साइज रिसेट करेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, बटन इंक्रीज डिक्रीज एंड नाउ रीसेट रीसेट ओके। तो ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, साइज इंक्रीज साइज एंड सेम कंट्रोल वी एंड नाउ रीसेट ओके। तो यार यहाँ पे डिग्री सही करो, डी रीसेट और अगले में रीसेट साइज ओके। सो ये हो गया अपना, सिंपल सी चीज़ है ओके। तो थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल डॉट डॉट कंटेनर अलाइन सेंटर। सो थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी वे अप्लाई कर दी गई है। तो अब क्या करना है, बेसिकली अब हमें केवल इमेज रखने हैं। चलिए इमेज को भी रख लेते हैं ओके। इमेजेस आ गई है हमारी सारी की सारी, नहीं अभी नहीं आई है, तो कर लेते हैं IMG ओके SRC। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव बेसिकली बाय चांस इमेज लोड ना हो पाए तो क्या दिखाना चाहिए, इमेज वन एंड नाउ क्लास इमेज। तो पांच इमेज कर लेते हैं ओके। ओके सो चलिए इमेज इस फोल्डर में देख लेते हैं क्या क्या नाम है इनका।
डॉट स्लैश इमेजेस केस डॉट जेपीजी इमेजेस हाइकर डॉट जेपीजी डॉट स्लैश इमेजेस डॉट टेंट डॉट जेपीजी ओके नाउ डॉट स्लैश वाटरफॉल ओहो नहीं 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 इमेजेस स्लैश वाटरफॉल डॉट जेपीजी एंड नाउ लास्ट इमेजेस इमेजेस स्लैश जेपीजी। तो सारी इमेज हमारी आ गई है, सिंपल सा एक्टिविटी बन गई है। तो चलिए एक बार इसको लाइव देख लेते हैं कैसा लग रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ओके बहुत बड़ी इमेज है। ओके ओके डन 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 डन। तो इमेज के साइज को पहले हमको रिसेट करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं सिंपली। तो चलिए इमेज इस साइज को सबसे पहले हम रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके तो एच आई डी हाइट 250 पिक्सल रख लेते हैं, 250 पिक्सल एंड विड्थ फोटो देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। नाउ दिस इज गुड। सो इमेजेस पे भी एक छोटी सी फंक्शनैलिटी लगा देते हैं, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। ओके नाउ वॉच दिस। ओके नाउ बेटर। सो चलिए अब जा सिंपली अपना जावास्क्रिप्ट का कोड देख लेते हैं। ओके तो नाउ यहाँ हम स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो दिस इज टोटली सिंपल। सो नाउ अपना पहला फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन इंक्रीज साइज। ओके इज दिस सेम ना। ओके नाउ बेटर एंड नाउ हाइट हाइट को सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं मैं 250 पिक्सल। ओके ओहो यार ये क्या हो रहा है कंट्रोलर। ओके डन 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 डन। नाउ तो चलिए जैसे ये क्लिक करें तो हाइट को है क्या हो, हाइट इंक्रीज हो जाए कितने से, हम कोई भी बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, हाइट प्लस इक्वल टू 20 पिक्सल से इंक्रीज कर देते हैं। एंड नाउ लेट टी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इमेज डन। सो एक्चुअली चूंकि क्लास हमारी मतलब कि जो क्लास हमने दी गई है वो 5 एलिमेंट में दी गई है, तो एक्चुअली दिस विल रिटर्न एन एरे। सो नाउ वी हैव टू गो फॉर दी फॉर लूप, फॉर लेट आई इन टी एंड आई डॉट इसको इमेज लिस्ट थोड़ा और सही कर देते हैं। ओके नाउ बेटर इमेज डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल टू सो
हाइट पिक्सल। सो दिस इज द सिंपल एक्टिविटी। सो चलिए पहले इसको देख लेते हैं ये काम कर रही है या नहीं। अगर ये काम कर रही है तो बाकी तो सेम इसी की तरह से है। तो चलिए अरे आ जाओ। ओके इंक्रीज इंक्रीज वाई दिस इज नॉट वर्किंग। सो हमने क्या प्रॉब्लम किया है इट। सो यहाँ ऑफ आना है और नाउ वी कैन सी दैट। ओके 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 परफेक्टली वर्किंग। सो नाउ वी हैव टू गो सेम फंक्शनैलिटी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी डिक्रीज साइज रीसेट साइज। सो रीसेट साइज में हमको क्या करना है सिंपली हमको कुछ नहीं करना। हमको जो इसकी डिफॉल्ट हाइट है उसको ले लेना है बस। पिक्सल एंड हाइट हम इसकी डिफॉल्ट रख सकते हैं। पिक्सल यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सो नाउ दिस इज सिंपल एंड इन डिक्रीज हाइट सिंपल। बस इतना ही करना था। काफ़ी सिंपल है ना। या सो कोई प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं इसको। इंक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज हो रहा है साइज रिसेट हो गया। सो बस सिंपल सी एक्टिविटी है गाइज। सो हमने सिंपली कुछ साइज को इंक्रीज किया डिक्रीज किया जावास्क्रिप्ट की मदद से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और ये तो केवल शुरुआत है और आगे आगे अपन लोग बहुत कुछ फन करने वाले हैं मज़े करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मज़े कीजिए।